अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आज आपका भाई एक नए दिन और एक नए ब्लॉग में, काफ़ी अरसे के बाद आज छुट्टी है का दिन है, बड़े दिनों के बाद सोचा आज कुकिंग ब्लॉग बनाए। बहुत से कुकिंग भी नहीं की है, तो आज का जो ब्लॉग है उसमें मैं बनाने लगा हूँ। एक नई सी डिश मैंने निकाली, फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ, और उस डिश का नाम है गोला कबाब मसाला मखनी, कह सकते हैं आप उसको। और इंग्रेडिएंट्स के अंदर चिकन जाएगा जो मेन इंग्रेडिएंट्स है, और उसके मतलब 1 से 1.5 चिकन ब्रेस्ट फिले यूज़ कर रहा हूँ मैं। साथ में क्रीम होगा, दही है, चिकन है, थोड़े मसाले स्पाइसेस हैं, वो सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता जाऊँगा। और अभी जो है मैं चिकन को जो है पीसेस करने लगा हूँ, तो वो फिर वहाँ से प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। और मैंने चैलेंज किया है कि मैं एक पॉट के अंदर बनाऊँगा इसको, मैं 2-3 पतीलियाँ कढ़ाई या फ्राइंग पैन को गंदा नहीं करूँगा, एक ही में बनाऊँगा, और देखते हैं कैसा बनता है, और आप लोग साथ ही स्टार्ट कर शेयर करते हैं, ठीक है ना। मैं छोटे छोटे पीसेस करने लगा हूँ इस किस्म के साइज़ से, ताकि मैं इसको पीसूंगा तो आसानी से ना चॉप हो जाए, तो मैं बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पीसे हैं, छोटे छोटे पीस रखना चाह रहा हूँ बेसिकली। इसके साथ ही चिकन हमारी हो गई है छोटे छोटे ट्यूब्स में, अब इसको मैरिनेट करते हैं। सबसे पहले डालूंगा मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट, तकरीबन कोई आधा चम्मच के करीब, इनफ है। इसके बाद डालेंगे नमक हसबे ज़रूरत, तकरीबन कोई 1 टीस्पून के करीब कह लें आप। इसके साथ मैं डालूंगा इसके अंदर थोड़ी सी लाल मिर्ची का पाउडर, ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना चाह रहा मैं। और इसके साथ डालूंगा मैं थोड़ा सा गरम मसाले का पाउडर, आधी टी स्पून के करीब। अच्छा, मैंने चिकन ब्रेस्ट 1.5 लिया है, 1.5 चिकन ब्रेस्ट लिया है, तो उसके हिसाब से इतना सही है। थोड़ा सा क्यूमिन पाउडर, क्यूमिन तो क्या बोलते हैं भाई, ज़ीरा, हाँ धनिया, ज़ीरा जो भी है, हाँ ये ज़ीरा, ये धनिया पाउडर डालूँगा थोड़ा सा, ठीक है ना। बेसिक जो मसाले होते हैं गरम मसाले वो, इसके साथ में डालूंगा थोड़ा चिली सॉस, और साथ में डालूंगा मैं थोड़ा सोया सॉस, ये डार्क सोया सॉस, आप नॉर्मल सोया सॉस भी डाल सकते हैं, मैं बहुत थोड़ा सा डालूंगा, दैट्स इट। तो इसको मैं अभी पीस दूंगा, इसको थोड़ा मैं अभी मैरिनेट करके रख दूंगा आधे घंटे के लिए, आधे घंटे के बाद उसको मैं पीस दूंगा, मिंस कर दूंगा। द रीज़न मैं इसको अभी मैरिनेट करके पीस रहा हूँ, इसकी वजह यह है कि मैं उसको पीस के मिंस चिकन को फिर उसके मसाला डालूंगा, तो वो एक मसाला तो अच्छा बनेगा, लेकिन ये ज़्यादा प्रॉपर एक टेस्ट इसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि इसको मैं मैरिनेट करने रखा हूँ। आधा घंटा उसको मैरिनेट करूंगा, उसके बाद इसको पीसूंगा। ये प्याज मैंने कर दी है इसके अंदर ऐड, और मैं इसको भी कर दूंगा चॉप। भाई माशाल्लाह से देखें आपके सामने है तकरीबन 3-4 तकरीबन 10 कबाब तले, ठीक है ना। मैंने 1.5 चिकन ब्रेस्ट का इस्तेमाल किया था, और ये आपके सामने सारे कबाब आ गए। इसको मैं अच्छे से फ्राई करूँगा। ओहो, क्या खूबसूरत कलर आया है, ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह सुभानअल्लाह। या चिकन के कबाब हमारे हो गए, इसको निकाल लेते हैं हम लोग साइड से। भाई माशाल्लाह से निकल आए हमारे सारे कबाब, तो इसको ट्राई करते हैं छोटा सा, आई कांट रेजिस्ट। बने हैं हमारे कबाब, हुई 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 हुई, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ट्राई करते हैं। भाई फ्लेवर तो बहुत ज़बरदस्त घुस गया इसके अंदर, नमक मिर्च सारे मसाले बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि मैरिनेट कर रखा था आधा घंटा उसको, तो टेस्ट वाकई में रच बस गया, रच बस गया। ओह निकल गया भाई। अब करने लगे स्टेप नंबर 2, जो कि हम मैरिनेट बना रहे हैं कबाबों के लिए। इसके लिए मैंने तकरीबन जो आप लोगों को दिखाई थी 2 प्याज, आधी प्याज यूज़ कर ली थी, 1.5 प्याज है जो कि मैं फ्राई करने लगा हूँ इस ऑयल के अंदर, चिकन वाला ऑयल में यूज़ कर फ्राई कर रहा हूँ मैं बेसिकली। और इस अनियन को मैं फ्राई करके इस जूसर के अंदर मैं इसको ब्लेंड कर लूँगा। द रीज़न इसको फ्राई करने की, मैं इसको डार्क ब्राउन बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं इसको सिर्फ हल्का सा थोड़ा सा कैस में सौते कर लूँगा। द रीज़न कि प्याज का अपना पानी होता है, अगर मैं कच्ची प्याज को पीस के अगर फ्राई ऑयल में डालूंगा तो बहुत ज़्यादा छींटे उठना शुरू होता है, कि आपका पूरा किचन और आपके अपने कपड़े सब गंदे हो जाते हैं। अगर मैं इसको फ्राई करके करूँगा तो इसका जो पानी है वो सारा ऑलरेडी निकल चुका होगा,
तो फिर आगे के प्रोसेस में जो है वो आराम से हम अपना कंटिन्यू कर सकेंगे, वरना फिर बहुत मुश्किल होती है। तो ये ट्रिक थी जो मैंने आप लोगों से शेयर की है। देखें प्याज बस यहाँ ही तक हमने इसको पकाया था, अब मैं इसको निकाल के ब्लेंड कर लूँगा। ये देखें भाई प्याज हमारी इसके अंदर आ गई है, इसको मैं थोड़ा थोड़ी देर के 2 मिनट ठंडा करूँगा, उसके बाद उसको मैं ब्लेंड कर लूँगा, पेस्ट बन जाएगा इसका इंशाल्लाह। अच्छा भाई तो अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या है, ऑयल मैंने निकाल दिया, काफ़ी कम कर दिया है, क्योंकि अब इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स आएंगे उसके लिए हमें इतनी ऑयल की ज़रूरत है नहीं। ये मैंने बैटर पीस दिया था प्याज वाला, सबसे पहले जो उसमें डालना है मैंने वो साबुत धनिया और ज़ीरा, मेरे पास ऑलरेडी कूटा हुआ मौजूद है, तो मैं ये 1 चम्मच डाल दूँगा इसके अंदर। देखें थोड़ा सा फ्राई वाला, अब इसके अंदर डाल देंगे ये बैटर प्याज वाला। देखें कितने सुकून से पक रहा है, वरना का कच्ची प्याज होती तो अब तक जो है वो उड़ना शुरू हो चुका था प्याज। और आंच देखें मैंने हल्की आंच रखी है, बहुत तेज आंच भी नहीं रखी। मैं इसमें अब मैं डालूंगा इसके अंदर मसाले, तो पहले जाएगा इसके अंदर नमक, ठीक है, उसके बाद थोड़ी सी काली मिर्च डालूंगा मैं इसमें, आधी टीस्पून के करीब काली मिर्च डालूंगा, दैट्स इट। और इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, ये धनिया पाउडर गया, ये ज़ीरा पाउडर जाएगा, दैट्स इट। और हल्की सी लाल मिर्ची, एज आई सेड कि मैं ज़्यादा स्पाइसी नहीं बना रहा, दैट्स इट। इसको हम अच्छे से करेंगे मिक्स। क्या ज़बरदस्त, देखें अब इसके अंदर जाएगा 1 कप दही जो कि मैंने फेंट के रखा हुआ है, हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। अब आप देख सकते हैं, देखें ऑयल ऊपर आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, तो ये है कुछ सूरत हाल। अब मैं इसके अंदर कुछ 4 टेबलस्पून के करीब ये ऑयल डालने लगा हूँ, ये सॉरी क्रीम डालने लगा हूँ, ये आखिरी में इस पूरे डिश की जान है ये क्रीम, ये इसके अंदर चली गई है। अब इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे, इसको मिक्स करेंगे हम लोग, और आखिर में हरी मिर्चों से इसको गार्निश कर देंगे। अब चूंकि मैंने क्रीम डाल दी है तो मैं इसको ज़्यादा नहीं पकाऊंगा, 1 मिनट के लिए इसको मैं ढकना बंद कर दूंगा और 1 मिनट के बाद चूल्हा बंद कर दूंगा, और हमारी डिश तैयार है। चले भाई बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ट्राई करते हैं पहला निवाला। भाई बहुत मजे का, बहुत जूसी है, खाने में चिकन का जो फैट है जो गोश्त के अंदर होता है और साथ में जो मलाई है, ओहो यार मजा आ गया, धुआं के साथ निकल रहा है, देख रहे हैं।
बहुत हाँ। उम्मीद है आप लोग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है ट्राई जरूर कीजिएगा, मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और भाई को दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।